अस्सलाम वालेकुम जुलेखा के दुनिया में वेलकम है। देखिए मैं देखिए ये डेडियम का बीज मैं लगाई थी, उसकी सीडलिंग को मैं रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ। देखिए ये बर्मी कंपोज है, ये राइसक्स मिट्टी है और ये सैंड है, ये लकड़ी का कोयला है और राख भी है। और उसके बाद इसमें मैं एक मुट्ठी बोन मील इसमें डाल दूंगी, देखिए इस तरह से, और एक मुट्ठी नीम खली। और इसमें फंगीसाइड के लिए मैं देखिए ये एक चम्मच टाइकोटर्मा रखूंगी। पूरा एक चम्मच, आधा आधा चम्मच मैं रखी हूँ, ऐसे मिक्स कर लूँगी। देखिए इस तरह से मैं मिट्टी तैयार कर रही हूँ सीडलिंग के लिए। देखिए ये मिलाकर बताती हूँ आपको। देखिए सभी को मिला ली हूँ। अब देखिए ये सीडलिंग को मैं ये गिलास में ये रिपोर्टिंग करूँगी। देखिए इसमें छेद भी कर ली हूँ, चार पांच छेद हैं। और नीचे में देखिए मैं बजरी रखने जा रही हूँ, नीचे में बजरी रख दे रही हूँ। उसके बाद इसमें मिट्टी रखूंगी। देखिए इसको निकालने के लिए मैं चम्मच के सहारे से इसे निकालूंगी ताकि इसकी जड़ को कोई नुकसान न पहुंचे। ये सीडलिंग को नीचे घुसाकर अंदर से देखिए इसकी जड़ को कोई नुकसान नहीं हुई है। देखिए कितने अच्छे से जड़ बनी हुई है। नीचे में थोड़ा पीला पत्ता हो गई है, उसे हटा दी। अब इसे मैं इसमें शिफ्ट करूँगी। देखिए मिट्टी थोड़ा ज़्यादा हो गई है इसलिए मैं उसे निकाल ले रही हूँ मिट्टी को। उसके बाद इस तरह से ताकि उसकी जड़ को कोई नुकसान ना पहुँचे, और ऊपर से मिट्टी डाल दूँगी। देखिए इस तरह से हल्के हाथों से दाब देना है, हल्के से, बहुत हल्के हाथों से इसे मैं दाब दे रही हूँ ताकि हिलडुल ना करें। इसी तरह सभी को मैं नीचे में बजरी रखकर तब इसमें मिट्टी डालकर उसको सीडलिंग को रोपूंगी। देखिए चार महीना पहले मैं सीड लगाई थी, चार महीना के बाद इसे रिपोर्टिंग कर रही हूँ। देखिए एकदम नीचे से जड़ को, देखिए जड़ को मैं डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ, जैसे है वैसे ही इसे इसमें लगा देना है। देखिए
इसकी सीड मैं लगाई थी तो आप लोगों को वीडियो में दिखाई थी, इसके सीड लगाते हुए दिखाई थी, मैं उसकी वीडियो बनाई थी। अभी देखिए ये 4 महीना का हो गई है, 3-4 महीना हुई होगी। उसके बाद मैं इसे रिपोर्टिंग कर रही हूँ। नीचे का थोड़ा पत्ता सब सूख गई है तो उसे हटा दे रही हूँ, और तब इसमें इस तरह से लगा दे रही हूँ। देखिए इसमें मैं राई शक जो डाली हूँ, इसे गर्म पानी में मैं पहले उसे ये गर्म पानी में डालकर उसे ये कर ली हूँ, उसमें रख कर ताकि उसकी गर्मी निकल जाए, तभी राई शक इसमें डाली हूँ मैं। इसी तरह देखिए सभी को मैं लगा ले रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी जड़ है सब सभी में। देखिए इसी तरह लगाना है, ये बड़ी होगी तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को इसकी अपडेट। इसी तरह मैं सभी को लगा ले रही हूँ। देखिए ये लग गई है, सभी को मैं लगा ली हूँ। अभी पानी मैं इसमें नहीं डाली हूँ, 2 दिन के बाद इसके अंदर पानी डालूँगी। अभी मैं ये ट्रे में पानी डाल दे रही हूँ ताकि उसकी नीचे से थोड़ी नमी बनी रहेगी। अभी थोड़ा गर्मी है इसलिए नीचे मैं ट्रे में पानी डाल रही हूँ। देखिए मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इसी तरह आप लोग भी एडेनियम का बीज लगाइए, सीडलिंग लगाइए, इस तरह से मिट्टी बनाकर। देखिए और थोड़ा पानी डाल दे रही हूँ ताकि उसके नीचे से थोड़ा पानी हल्का फुल्का उसे उसकी नमी बने रहे। इसमें 2 दिन के बाद मैं इसमें पानी डालूंगी। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। अल्लाह हाफिज़।